हेलो नमस्कार, मैं हूँ रितु तिवारी और बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। आज हम बनाएंगे कीनवा वेजी पैनकेक्स, या आप इसको कीनवा का डोसा भी बोल सकते हैं, जिसमें हमने एक सुपर फूड वेजी भी डाला है। ये बच्चों को भी आप खिला सकते हैं क्योंकि कीनवा एक बहुत ही वैल्यूएबल हाईली वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट रिच फूड है। ये ग्लूटेन फ्री होता है और प्रोटीन का बहुत ही रिच सोर्स है। इसमें 9 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, विशेष रूप से लाइसिन, जो पूरे शरीर को हेल्दी रखता है और ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो आप अपने बढ़ते बच्चों को अगर ये खिलाएंगे तो वो हेल्दी भी रहेंगे और साथ में उनकी ग्रोथ पर भी बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। कीनवा आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ई, पोटेशियम और फाइबर का भी एक बहुत ही रिच सोर्स। कीनवा अमेरिका, यूरोप, चीन और कनाडा का तो एक प्रमुख भोजन बन रहा है। इसके इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं कि अब पूरे वर्ल्ड में इसे सुपर फूड माना जाता है। मैंने यहाँ पे व्हाइट कीनवा लिया है, ये आधा कप कीनवा है। इसके साथ में हम यहाँ पर लेंगे कुछ दालें। सबसे पहले है ये मूंग दाल, ये 1/4 कप है। फिर हम ले रहे हैं उड़द दाल, ये भी 1/4 कप है। दालें आपको पता ही है कि प्रोटीन्स कितना होता है दाल में। ये है चना दाल, ये भी 1/4 कप। अभी इन तीनों दालों को और कीनवा को हमें सोक करना है, तो हम पहले इसको अच्छे से धो लेंगे पानी से और फिर इसे 1 घंटे के लिए सोक करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 घंटे भी सोक कर सकते हैं, बहुत अच्छे से सोक हो जाएगा, वरना मिनिमम 1 आवर के लिए तो आप इसे भिगो के रख ही दीजिए। अब देखिए 1 घंटे के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब हम इसमें कुछ और चीजें भी ऐड करेंगे, तो सबसे पहले इन सब का पानी निकाल के इसे ब्लेंडर में डाल देते हैं क्योंकि अब हमें इसे ब्लेंड करना है। हार्ट पेशेंट और डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी कीनवा बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, और जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं ना, इससे ज्यादा अच्छा अल्टरनेटिव आपको मिल ही नहीं सकता। तो ये सारे दालें हमने डाल दी है और अब हम डाल रहे हैं हमारा कीनवा। अब इसमें हम अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक। फिर हमने यहाँ पे 3-4 ग्रीन चिली ली है और अदरक लिया है, तो ग्रीन चिली और अदरक भी हम ब्लेंड करेंगे दाल और कीनवा के साथ। अब इसमें हमें डालना है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो खुद बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स के साथ है, और वो है लौकी। लौकी को हमें अच्छे से पील करना है और उसे कद्दूकस करना है। ये लौकी कद्दूकस करके हमें आधा कप लेना है। ये फ्रेश ही उसी टाइम लेना है जिस टाइम हम ब्लेंड कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लौकी का अगर रस भी निकले तो भी इसी में जाए, तो फ्रेश ही लेना आपने। तो चलिए ब्लेंड करके ले आते हैं। इसका एक स्मूथ पेस्ट आप बना लो, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसे ब्लेंड करो। तो ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब यही वो टाइम है जहाँ पे आप चेक सकते हो कि आपका नमक वगैरह सही है कि नहीं है, तो आप यहाँ पे टेस्ट कर लीजिए, अगर कम है तो आप डाल लो। इसे थोड़ी सी देर 2 मिनट के लिए अगर आप मिला लेंगे तो ये थोड़ा फ्लफी हो जाएगा और हमारा डोसा या पैनकेक बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। अब क्योंकि ये एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, तो हम सिर्फ 1/2 चम्मच तेल यहाँ पर डालेंगे और एक ऑनियन की हेल्प से, एक प्याज की हेल्प से हम उसे फैला लेंगे।
अब हम इसमें डालेंगे अपना पेस्ट और बना लेंगे एक राउंड पैन केक। इस पर हम 2-3 बूंदे तेल की डालेंगे जिससे कि अच्छे से पके। 2 मिनट के बाद हम इसको पलट देंगे। ऐसे ही दूसरी साइड से भी इसे अच्छे से पका लेंगे और बन गया हमारा कीनवा वेजी पैनकेक। इसे हम किसी भी चटनी के साथ में खा सकते हैं या तो कोई भी डिप साथ में ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो चटनी रखी है ये टमाटो और पीनट के साथ बनाई है। कैसी लगे आपको ये हेल्दी रेसिपी ये आप मुझे जरूर बताना। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी टैप कीजिए जिससे हम मिल सके बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज के साथ में बहुत ही जल्द। टिल देन स्टे हेल्दी स्टे ब्यूटीफुल। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।